हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, मुझे पता है यार कि आप सभी जन अभी थोड़ा सा टेंस भी हो, थोड़ा सा खुश भी हो, मतलब कि एक प्रकार से मिक्स्ड फीलिंग है, क्योंकि हम सभी को पता है अभी हम हमारे वैकेशंस को भले ही आप बोलो या ना मानो, बट एंजॉय तो आप कर ही रहे हो। और एट द सेम में कभी कभी बोर्डम भी महसूस हो रहा होगा कि यार अभी हम करें क्या, क्योंकि देखो एग्जाम खत्म होने के 6-7 दिन बाद या फिर एक हफ्ते में ही हमको समझ में आ जाता है कि हमको हमारे रूटीन में वापस आना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल टॉक रहने वाली है, और कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जिससे कि आप आपके इस पर्टिकुलर वैकेशन में, भले ही आपको 1 महीने का वैकेशन है, 2 महीने का वैकेशन है, इस वैकेशन में आप बाकी बच्चों से, 99% बच्चों से आप आगे बढ़ जाओ और 1% के श्रेणी में आप आ जाओ। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। उसके पहले स्टूडेंट्स, मुझे प्लीज कमेंट्स में, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं भाई, मेरे लालाज और लालीज, प्लीज नीचे कमेंट्स में बताना है कि आप कितने परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। फटाफट से कमेंट कर देना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, देखो बहुत सारे बार मैं सभी बच्चों को यही कहता हूँ कि स्टूडेंट्स कॉन्टेंट क्रिएशन में आ जाओ, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी फ्री समय बचता है तो आप एक तो उसमें एडिटिंग का कोर्स कर सकते हो, फोटोशॉप कर सकते हो, या फिर आपके जो भी हॉबीज है, मतलब ड्राइंग, डांसिंग वगैरह वगैरह, फलाना ढिकाना, जो भी चीजें हैं वो पर्टिकुलर क्यूरिकुलम एक्टिविटीज आप करो, और कुछ तो भी कंटेंट क्रिएशन करो। भले ही आप कंटेंट क्रिएशन YT पे करो, मतलब YouTube पे करो, Instagram पे करो, या फिर कहीं पे भी करो, लेकिन आप आपका जो भी हिडन टैलेंट है, उस हिडन टैलेंट को लोगों के सामने पेश करने का जज्बा रखो, लोगों के सामने बताने का, उसको क्या बोलते हैं, विच इज एक फोर्स रखो कि हाँ भाई, हम लोगों के सामने जा सकते हैं। और जो भी आपका कैमरा का फियर है, उस कैमरे के फियर को कम करने की कोशिश करो। देखो स्टूडेंट्स, मैं अभी भी बोल रहा हूं, आगे चल के जो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम या फिर एक पर्टिकुलर फील्ड जो आगे बूम होने वाली है, वो होने वाली है क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स की। मतलब आज आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स जितना 1 महीने में कमाते हैं, उतना जो एक एवरेज इंजीनियर का सालाना पैकेज होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं सभी को यही निवेदन करूंगा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप एजुकेशन छोड़ दो और कंटेंट क्रिएशन में आ जाओ, लेकिन साइड बाय साइड स्टूडेंट्स आप कंटेंट क्रिएशन में आ जाओ, क्रिएटर्स बनने की कोशिश करो, इन्फ्लुएंसर्स बनने की कोशिश करो, अच्छे चीजों में। छपरी क्रिएटर, छपरी इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे कि आप एजुकेशन नीच में जा सकते हो, आपके आपके हॉबीज जो है वो शोकेस कर सकते हो, आपके एडिटिंग के स्किल्स आप यूट्यूब पे बता सकते हो, फोटोशॉप के स्किल्स आप बता सकते हो, जिससे कि लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होगा, उसकी मैं बात कर रहा हूं। सो ये चीजें तो प्लीज आप ट्राई करना जरूर, यूट्यूब चैनल कैसे खोलना है, थंबनेल कैसे बनाने हैं, ईच एंड एवरीथिंग, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे रील्स कैसे बनाते हैं, हर एक छोटी छोटी चीजें प्लीज अपना टैलेंट शोकेस करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, आगे चल के कॉन्टेंट क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स ही आगे बढ़ने वाले हैं मोस्टली। उसके बाद अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट। सबसे पहले तो आप कंप्यूटर कोर्सेज, प्रोग्रामिंग जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन वगैरह वगैरह, ये जो कोर्सेस होते हैं ये आप कोर्सेस करके रखना, जिससे कि आपको कंप्यूटर फील्ड के बारे में आपको समझ आ जाए, या फिर आप AI ML, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ML मतलब मशीन लर्निंग के बारे में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स साइंस में होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उसके बेसिक बेसिक चीजें समझ के लो पहले, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद मैटर क्या होता है, अलग अलग जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो चीजें पहले अंडरस्टैंड करो, जिससे कि आप जब 11th 12th में आपकी स्टडीज आप जब शुरू करोगे तो आपको बेसिक के साथ आप शुरू करोगे और आप उसमें महारत हासिल कर सकते हो। लिटरेचर वगैरह करो, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश वगैरह, पोयम्स वगैरह, ये रीड करने की कोशिश करो, अलग अलग बुक्स आप पढ़ सकते हो सभी चीजें, जिससे कि आप डेवलप कर सकते हो स्किल्स। अभी स्टूडेंट्स, इसी वजह से मैं आप सभी के लिए लाया हूं, विच इज 7th अप्रैल के दिन स्टूडेंट्स अन अकेडमी के तरफ से आरंभ इवेंट ये लॉन्च करने आ रहा है, जो कि दोपहर को 1 बजे से लेके तो 3 बजे तक होने वाला है, जो कि सभी IIT और JEE के जो स्टूडेंट्स होंगे, जो नीट के स्टूडेंट्स होंगे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए 4 बड़े सरप्राइजेस है, जो कि आपके आने वाले इस पर्टिकुलर साल में आप आपके स्टडीज को एक लेवल अप लेके जाओ, नेक्स्ट लेवल पे आप आपकी स्टडीज लेके जाओ। स्टूडेंट्स,
इस पर्टिकुलर इवेंट में 750 प्लस लर्नर्स आने वाले हैं, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, टॉप इन्फ्लुएंसर्स आने वाले हैं, महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के, पूरे इंडिया के टॉप एडुकेटर्स जो जेई नीट इन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, एट द सेम वे आपके भैया भी इस इवेंट में जाने वाले हैं लाइव। तो स्टूडेंट्स इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ध्यान से समझना है। इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज हम अनलॉक करने वाले हैं आरंभ, जो कि अन एकेडमी के तरफ से है, और हर एक बच्चा जो भी नीट और जेई की तैयारी करने वाला है उन सभी को ये इवेंट जरूर 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 ज्वाइन करना है। नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डेट ध्यान में रखना 7 अप्रैल दोपहर को 1 बजे से लेके तो 3 बजे तक, जहां पे आपके भैया भी प्रेजेंट रहेंगे, जहां पे टॉप इन्फ्लुएंसर्स, बॉलीवुड बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, एडुकेटर्स, 750 प्लस लर्नर्स, टॉप एजुकेटर्स, सभी लोग वहां पे मौजूद होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स वेट किस बात का है, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जाके लिंक पे क्लिक करना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। जैसे ही आपको जब वो वीडियो लाइव जाएगा, लाइव इवेंट लाइव जाएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं आरंभ 2024 पावर्ड बाय अन एकेडमी। उसके बाद स्टूडेंट जैसे कि मैंने बोला, रीडिंग बुक्स आप कर सकते हो। अभी देखो मैंने ये 5 बुक्स मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट बुक्स है, जिससे मैं बहुत सारी चीजें सीखा हूं। तो सबसे मेन बुक जो है, जो मुझे आज तक लगी है, दैट इज नन अदर देन थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि नेपोलियन हिल इन्होंने लिखी है बुक। अभी स्टूडेंट्स बुक्स पढ़ने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, देखो कोई भी इंसान बुक कब लिखता है, जब भाई वो 40-50 साल का हो जाता है अप्रोक्सीमेट, अगर मैं एवरेज एज की बात करूं तो। मतलब स्टूडेंट्स 40-50 एज का जो बंदा होगा, उसने उसकी लाइफ 0 से लेके 40-50 ईयर्स तक उसने उसकी लाइफ देखी है, बेस्ड ऑन हिज और हर पर्टिकुलर एक्सपीरियंस वो उस बुक को 300 से 400 पेज के अंदर समराइज करता है। और अगर हम वो बुक्स पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि भाई जो बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, जो भी हिस्ट्री में जिन्होंने उनका नाम कमाया है, नाम बनाया है, वो लोगों ने क्या क्या चीजें की। और अगर हम भी वो चीज करेंगे तो जाहिर सी बात है हम भले ही शायद हिस्ट्री ना क्रिएट कर पाए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कर सकते हो, बट भले हम उनके जैसा ना कर पाए, लेकिन हम अगर उनमें से 10% भी हम अगर उनके जो भी कैरेक्टर्स है वो अगर हम इनबिल्ड करें, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स हम हमारे लाइफ में एक अगले स्टेज पे जा सकते हैं। फिर उसके बाद रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी ने बनाया बुक लिखी है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, फाइनेंस के बारे में है, ये पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स है। यहाँ पे आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी बहुत सारी चीजें मालूमात गिरने वाली है। द 10x रूल लिखी है ग्रैंट कार्डोन ने, तो ग्रैंट कार्डोन ने ये मेरे फेवरेट ऑथर है वैसे बाय द वे, इनको मतलब बहुत ज्यादा इन्होंने मतलब 30 ईयर्स के बाद इन्होंने बहुत सारी चीजें शुरू की थी, तब जाके वो बिलियनियर बने हैं। तो स्टूडेंट्स ये बुक बहुत अच्छी है, द 10x रूल। फिर उसके बाद आता है एटॉमिक हैबिट्स, और उसके बाद आता है रॉबिन शर्मा की बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई, कौन रोएगा जब आप मरोगे। तो इसमें कुछ शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज है, दो दो पेजेस के स्टोरीज है, कुछ बहुत सारे स्टोरीज है, मतलब 30+ स्टोरीज है उसमें वो छोटे से बुक में। और अगर आप वो बुक पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि अपनी लाइफ कैसे बिल्ड होनी चाहिए, अपनी लाइफ कैसी होनी चाहिए, और उस हिसाब से अगर हम अपने लाइफ को जिएंगे तो जाहिर सी बात है हम एक मेमोरेबल लाइफ जी के मरेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है। जाते जाते बस और एक चीज बोलूंगा स्टूडेंट्स की हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी तो सभी चीजें आप प्राप्त कर सकते हो, अगर हेल्थ ही आपका साथ नहीं दे रहा है तो जाहिर सी बात है भाई आप लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सो सबसे पहला प्रायोरिटी आपको आपके हेल्थ पे देना है, तो आपका एक डेफिनेट रूटीन होना चाहिए, स्ट्रेचिंग वगैरह आप करना चाहिए, जिम वगैरह आप जा सकते हो, या फिर अभी गर्मी का मौसम है तो आप स्विमिंग क्लास वगैरह बना सकते हो, लगा सकते हो। तो स्टूडेंट्स आई होप सभी चीजें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, और जाते जाते बस एक ही बोलूंगा स्टूडेंट्स चैनल पे नए होंगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 11-12 का कंटेंट बहुत ही जल्द मतलब बनने ही वाला है। और स्टूडेंट्स और एक चीज, 7 अप्रैल को भैया भी रहने वाले हैं इस इवेंट में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, अन एकेडमी आरंभ 2024, जिसमें 4 बड़े सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपकी एक लेवल अप जो है आपकी पढ़ाई को लेके जाएगा, जो भी बच्चे IIT JEE और नीट में जाना चाहते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय एवरीवन, लव यू ऑल, तब तक के लिए भाई पीस आउट।